हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्या सेतु यूट्यूब चैनल ऑफ केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, क्लास 5 एनसीईआरटी सब्जेक्ट ईवीएस। दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ द चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Dear students, in this chapter, a conversation is going on between the students of a school. ठीक है, एक conversation यहाँ पर कुछ बच्चों के बीच में चल रहा है, वो क्या बातें करते हैं, ठीक है, ये हम इस chapter में देखेंगे। ठीक है, so blood test, ठीक है, जसकीरत, जसकीरत क्या कहती है, देखते हैं यहाँ पर हम। रजत is back at school today. He had been absent for many days. रजत जो है आज स्कूल आया है, वह जो है काफी दिनों से एब्सेंट था। हाउ आर यू नाउ, आस्क्ड आरती, आरती ने पूछा रजत से कि अब तुम कैसे हो। आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, रजत रिप्लाइड। जसकीरत, जसकीरत कहती है यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट व्हाइल यू वर एट होम, जब तुम घर पर थे तो तुमने बहुत खेला होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रजत क्या रिप्लाई देता है, रजत हु वॉन्ट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर, कौन खेलना चाहता है जब आपको बुखार हो। फीवर माने क्या होता है, बुखार। ऑन टॉप ऑफ इट, और इसके साथ साथ आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन। बिटर बच्चों हम लोगों ने टेस्ट में पढ़ा था, टेस्ट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, मैंने अभी टेस्ट में भी आपसे इन सारी चीजों के बारे में पूछा था, तो ये आपको रिवाइज करना है। हाउ मेनी टाइप ऑफ टेस्ट आर देयर और उनके कुछ एग्जाम्पल्स। आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट, और मुझको जो है बिटर मेडिसिन खानी पड़ी, और इसके अलावा जो है मुझको ब्लड टेस्ट भी मुझको करवाना पड़ा। ये कौन कहता है, रजत। ठीक है, जसकीरत फिर पूछती है अब ब्लड टेस्ट बाय, इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल, एक ब्लड टेस्ट ये तो बहुत दर्दनाक हुआ होगा। क्योंकि बच्चों ब्लड टेस्ट में क्या होता है, ब्लड को जो है हम बॉडी से निकालते हैं। रजत, रजत कहता है एक्चुअली व्हेन द नीडल प्रिक्ड माय फिंगर, ठीक है, नीडल जो सुई है उसने मेरी फिंगर को जब प्रिक किया, इट फेल्ट लाइक एन एंट बाइट, ठीक है, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी चींटी ने काट लिया हो। दे टुक 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, कितना, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, उन्होंने 2 से 3 बूंदे जो है खून की ली, एंड सेंड इट फॉर टेस्टिंग, और टेस्ट करने के लिए भेजा। दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड मलेरिया, इस तरीके से मुझको पता चला कि मुझको जो है मलेरिया है। बच्चों अगर जब कोई बीमार हो जाता है, सो देन डॉक्टर एडवाइज हिम टू कंडक्ट अ ब्लड टेस्ट, ठीक है, जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए एडवाइज करते हैं, और ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विच काइंड ऑफ डिसीज। एनसी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू, ठीक है, नैन्सी लेकिन कहती है कि आपको मलेरिया तब होता है जब कोई मॉस्किटो मीन्स मच्छर आपको काटता है। रजत, यस, हाँ, वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, लेकिन ये हमको किस तरीके से पता चलता है, ये हमको ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि हमको कौन सी बच्चों बीमारी है। ठीक है, जसकीरत, देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माय हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। यहाँ पर जसकीरत बच्चों कहती है कि मेरे घर के आसपास जो है बहुत सारे मॉस्किटोज हैं, ठीक है, मच्छर हैं, लेकिन मुझको तो मलेरिया नहीं हुआ। तब नैन्सी रिप्लाई देती है, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया, किसने कहा कि हर मच्छर के काटने से, मॉस्किटो के काटने से जो है मलेरिया हो जाता है। मलेरिया स्प्रेड्स ऑनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज। यहाँ पर नैन्सी बिल्कुल सही कह रही है कि हर तरीके के मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है, मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटो, मलेरिया उसी मच्छर से फैलता है जो इस बीमारी को कैरी करते हैं। ठीक है, तब आरती क्या कहती है, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी, मुझको तो सारे मच्छर एक जैसे ही दिखाई देते हैं। वो भी बिल्कुल सही कह रही है बच्चों, क्योंकि जनरली हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो मच्छरों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रजत, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, उनमें कुछ तो डिफरेंस होगा। ठीक है, ये रजत कहता है। नैन्सी क्या बोलती है बच्चों, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू, क्या उन्होंने तुम्हारी उस जगह से ब्लड लिया था जहां पर मच्छर ने काटा था।
तब रजत रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्क्यूटो बिट मी, मुझको कैसे पता चलेगा कि कब और कहां पर किस मच्छर ने मुझको काटा था। तब नैन्सी कहती है, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट। तब उनको तुम्हारे ब्लड टेस्ट से कैसे पता चला कि तुमको मलेरिया है। डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड, क्या तुमको लगता है कि वह तुम्हारे खून में कुछ देख सकते हैं। Taking the blood on the glass slide for test malaria spreads through female mosquito anopheles. बच्चों जब डॉक्टर ब्लड टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं मलेरिया चेक करने के लिए, तो डॉक्टर जब प्रिक करता है फिंगर को, तो यहाँ पर मलेरिया के टेस्ट के लिए एक स्लाइड बनाई जाती है। इसमें सिर्फ हमको 2 से 3 बूंदें ही ब्लड की लगती हैं। फिर इस स्लाइड को जो है बच्चों, कोई एक जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो उसको एग्जामिन करता है अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 times बिगर। ठीक है, अगर कोई चीज हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो बच्चों माइक्रोस्कोप में इतना पावरफुल लेंस लगा होता है कि वो छोटी से छोटी इमेज को बहुत ही बड़ा कर देता है, जिससे हम बहुत ही आसानी से उन चीजों को जो है देख सकते हैं। ठीक है, 1000 times आप देख सकते हैं, 1000 गुना उस चीज को जो है माइक्रोस्कोप बड़ा कर देता है। और कोई ऐसी भी माइक्रोस्कोप आते हैं जो और ज्यादा पावरफुल लेंस के होते हैं, जिससे जो है चीजें और बड़ी हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये हम इसके थ्रू एनालाइज करते हैं कि जो मच्छर ने काटा है उससे जिस पर्टिकुलर डिसीज के बारे में होता है हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, मलेरिया फैलता है फीमेल एनाफिलीज के काटने से। ठीक है, केवल फीमेल एनाफिलीज, नॉट मेल। ठीक है, सो द मलेरिया फैलता है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो के बाइट करने से फैलता है, जिसको कि हम डायग्नोज कर सकते हैं बाय द ब्लड टेस्ट बाय ऑब्जर्विंग द स्लाइड प्रिपेयर्ड बाय द ब्लड ऑफ द पेशेंट अंडर द माइक्रोस्कोप। नाउ फाइंड आउट, डू यू नो एनीवन हु हैज हैड मलेरिया। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको फाइंड आउट करते हैं। हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया, What other diseases can be caused by mosquito bites? In which season is malaria more common? Why do you think this happens? What do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? Also find out from your friends about what they do. तो बच्चों ये सारे जो questions हैं ये आपको अपने घर में elders से पूछ रहे हैं। ठीक है, कि क्या कभी उनको malaria हुआ था? ठीक है, अगर उनको हुआ था तो उनको कैसे पता चला कि मलेरिया हुआ था। तीसरा, मलेरिया होने के बाद उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ठीक है, मॉस्क्यूटो से और कौन कौन सी डिजीजेस फैलती हैं। ठीक है, मॉस्क्यूटो किस सीजन, मलेरिया किस सीजन में कॉमन होता है और ऐसा क्यों होता है, ये भी आपको सोचना है कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही क्यों कॉमन होता है मलेरिया, सबसे ज्यादा उसी टाइम क्यों फैलता है। ठीक है, What do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? आप अपने घर में खुद को mosquitoes से बचाने के लिए, protect करने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, आप also find out from your friends about what they do. अपने दोस्तों से भी आपको पूछना है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मैं इन सब के answers आपको दूंगा बच्चों, लेकिन पहले ये आपको खुद से find out करना है इनके answers को। ठीक है, Now look at the report of the blood test given here. ठीक है, which words in the report help us to know that the person has malaria. अब इससे पहले आपने देखा कि एक ब्लड टेस्ट किया गया है, यहाँ पर एक क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट है। ठीक है, जो ब्लड टेस्ट करते हैं बच्चों उनको हम पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं। जैसे नेम, यहाँ पर पेशेंट का नेम दिया हुआ रजत, एज दी हुई है 11। ठीक है, स्त्री या पुरुष मीन्स उसका सेक्स क्या है, तो अगर पुरुष होगा तो हम क्या लिखते हैं मेल, और अगर गर्ल होगी, स्त्री होगी तो क्या लिखेंगे फीमेल। ठीक है, रोग की पहचान, डायग्नोसिस क्या है, फीवर विद चिल्स एंड रिगर्स, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। ठीक है, तो मलेरिया में क्या होता है, ठंडी के साथ साथ कपकपी के साथ जो है हमको बुखार आता है। तो यहाँ पर जो फाइनल स्टेटमेंट लिखा गया है कि खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए, मींस मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन द ब्लड। तो जब हम ब्लड एग्जामिन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप बच्चों, तो हम इसमें यही देखते हैं कि ब्लड में
क्या मलेरिया के पैरासाइट्स जिससे जो है मलेरिया फैलता है वो प्रेजेंट है? अगर है तो हम पता लगाते हैं कि जो पेशेंट है ही इज सफरिंग ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो अब उसका क्योर किस चीज से होता है? मेडिसिन फॉर मलेरिया, मलेरिया की दवाई कहाँ किससे बनती है? फ्रॉम अर्ली टाइम्स। पहले की बात है बच्चों, द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ सिंकोना ट्री वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। ठीक है, एक पेड़ का नाम है सिंकोना, सिंकोना ट्री। ठीक है, इसकी बार्क से मींस इसकी छाल से जो है, जो पेड़ की बार्क होती है उसको सुखाकर और पाउडर बनाकर जो है वो मलेरिया की मेडिसिन में यूज किया जाता था पहले के टाइम में। और आज बच्चों जो है, अर्लियर पीपल यूज टू बॉइल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू द पेशेंट्स। पहले क्या करते थे, इसी फिर ड्राई पाउडर को जो है बॉइल करते थे, पानी को स्ट्रेन करने के बाद जो है फिर जो है वो पेशेंट को दवाई देते थे जिससे पेशेंट जो है ठीक हो जाते थे मलेरिया से। और आज क्या होता है बच्चों, नाउ टेबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस, इसी सिंकोना ट्री के बार्क से जो है टेबलेट्स बनाई जाती हैं जिससे जो है मलेरिया का इलाज किया जाता है बच्चों। सेकेंड वन इज अनीमिया, व्हाट्स दैट? इसका प्रोनंसिएशन होगा बच्चों अनीमिया, ANAEMIA, अनीमिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अनीमिया। ठीक है, इससे पहले हमने मलेरिया का डिस्कस किया था, नाउ वी विल डिस्कस दिस। आरती, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन। क्या तुम, आरती यहाँ पर कहती है कि क्या आपको पता है कि मैंने भी एक बार ब्लड टेस्ट करवाया था, बट दे टुक अ सीरेंज फुल ऑफ ब्लड, द ब्लड टेस्ट शो दैट आई हैड एनीमिया। लेकिन एनीमिया के टेस्ट के लिए उन्होंने एक पूरी सीरेंज भरकर ब्लड लिया था। और बच्चों मलेरिया के केस में क्या हुआ था, सिर्फ 2 से 3 बूंदें जो है ब्लड की ली गई थी, उसमें स्लाइड बनती है बच्चों, और इसमें जो है एक पूरी सीरेंज भरकर लिया गया था। रजत, वॉट इज दैट, यह क्या होता है? आरती, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। बच्चों हमारे ब्लड में एक हीमोग्लोबिन नाम का जो है प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, इसी की कमी से जो है एनीमिया होता है। ठीक है, तो यहीं पर आरती सबको बता रही है कि डॉक्टर ने कहा था कि उसके ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर आयरन की। ठीक है, द डॉक्टर गिव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ, डॉक्टर ने मुझको कुछ दवाइयां भी दी थी जिससे मुझे जो है ताकत मिले। ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दीज हैव आयरन। ठीक है, अगर बच्चों किसी के ब्लड में जो है आयरन की अगर कमी होती है, ठीक है, आयरन की अगर कमी होती है तो उसको डॉक्टर एडवाइस करते हैं जैगरी, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने के लिए, हरी सब्जियां, क्योंकि हरी सब्जियों में है आयरन जो है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एंड सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन अवर ब्लड, हमारे खून में आयरन कैसे हो सकता है? देयर वॉज जस्ट किरत, देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे, इसके बारे में कल के न्यूज़पेपर में कुछ था। रजत, लाफिंग, सो देन यू एट आयरन और वॉट, तो रजत हंसते हुए कहता है कि तो क्या तुमने आयरन खाया और क्या? आरती, सिली, दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दीज कीज, आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इट वॉज। ठीक है, आरती कहती है कि ये वो आयरन नहीं है जिससे कि घर की चाबियां या फिर बनती है, मींस आयरन ये बच्चों लोहे वाला आयरन नहीं है जो हमको लोहा खाना है। ठीक है, आयरन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जैगरी में पाया जाता है, गुड़ वगैरह और आंवला, विटामिन सी वगैरह पाया जाता है। ठीक है, आंवला में खट्टी चीजें जो होती हैं, इससे जो है बच्चों हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में बनता है और हमारे शरीर में स्ट्रेंथ भी आती है। आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड व्हाटएवर द डॉक्टर हैड सेड माय हीमोग्लोबिन वेंट अप। ठीक है, जब मैंने ढेर सारी वेजिटेबल्स खाई और वॉट एवर द डॉक्टर हैड सेड, जो भी डॉक्टर ने मुझसे कहा था, तो मेरे शरीर का जो है हीमोग्लोबिन बढ़ गया। बच्चों एक्चुअली में क्या होता है कि आजकल जो है बहुत सारे बच्चे घर की बनी हुई अच्छी सब्जियां नहीं खाते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर बन जाते हैं तो बच्चे खाने से इनकार कर देते हैं, और वो ज़्यादातर बच्चे क्या जंक फूड को प्रेफर करते हैं, जैसे कि बर्गर, चाउमीन वगैरह, जिनमें जो है हमारा भूख तो मतलब पेट तो भर जाता है लेकिन हमको कुछ विटामिन्स, आयरन वगैरह या प्रोटीन वगैरह नहीं मिलते हैं, जिससे हमारा बॉडी जो है इन सारी चीज़ों से डेफिशिएंट होता चला जाता है। इसलिए बच्चों हमको एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और उसमें प्रोटीन, विटामिन्स और ये सारी चीज़ों को जो है अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके लिए हम बच्चों दाल वगैरह भी ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो हमारी डाइट में मस्ट होना चाहिए, जिससे हमारी बॉडीज जो है
उनको ढेर सारे प्रोटीन और विटामिन्स वगैरह मिल सके। ठीक है। एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल, एनीमिया जो है दिल्ली के स्कूलों में कॉमन है क्योंकि वहां पर बच्चों का टेस्ट किया गया होगा जिससे ये डायग्नोस किया गया होगा कि बच्चों के ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन की कमी है जिसके कारण वो सफर कर रहे हैं एनीमिया नामक डिसीज से। 17 नवंबर 2007 की रिपोर्ट है ये। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडीइंग इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल्स इन दिल्ली सफर फ्रॉम एनीमिया, दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। ठीक है। अगर एनीमिया की कमी हो जाती है बच्चों तो हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से जो है सफर करते हैं। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स ऑल लो, जिसमें बच्चों एनीमिया होता है मीन्स हीमोग्लोबिन कम होता है तो वो बच्चे सही से ग्रो नहीं करते हैं और उनका जो एनर्जी लेवल है ताकत जो होती है वो भी कम होती है। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, अगर ऐसा होता है तो उनकी स्टडी पर भी जो है एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन, इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों जो गवर्नमेंट है उसने हेल्थ चेकअप को जो है स्कूल्स वगैरह में मैंडेटरी किया जिससे हमारे हेल्थ कार्ड बनते हैं और प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस के लिए और किसी में अगर कोई डेफिशिएंसी डिसीज मिलती है तो उसको तुरंत क्योर किया जाता है। एनीमिया चिल्ड्रन आर बीइंग गिवन आयरन टेबलेट्स, जो चिल्ड्रन एनीमिक होते हैं मींस एनीमिया होती है उनको आयरन की टेबलेट्स वगैरह भी दी जाती है लेकिन हमको एक अच्छी डाइट भी मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर एक क्लिनिकल रिपोर्ट दी गई है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर नेम क्या दिया है, आरती। आयु क्या है, 12। यहाँ पर सेक्स क्या है उसका, फीमेल। रोग की पहचान की गई है, क्या है, एनीमिया। ठीक है। क्योंकि जब हमने यहाँ पर डायग्नोज किया था उसके ब्लड को तो उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना निकला, 8 ग्राम पर डेसी लीटर। ठीक है। लेकिन नॉर्मल रेंज, जब भी बच्चों हम यहाँ पर देखो, जब भी बच्चों हम अगर किसी भी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं तो हमको वहां पर नॉर्मल रेंज पहले मेंशन रहती है। ठीक है। और जो हमने ब्लड टेस्ट कराया वो भी मेंशन रहता है तो यहाँ पर हम नॉर्मल रेंज पहले देखते हैं। नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की ब्लड में, 12 to 16। ठीक है। अगर बच्चों जो हमने ब्लड टेस्ट कराया है वो नॉर्मल रेंज से कम हो तो भी डिसीज होती है और नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो तो भी कोई बीमारी होती है। तो इस तरीके से आप अपने घर में क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल रेंज यहाँ पर क्या मेंशन है, 12 to 16। अगर उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन 12 होता है या 13 या 14 या 15 या 16 तो हम उसको एनीमिक नहीं बोलते, वो नॉर्मल रेंज है। लेकिन यहाँ पर कितना है, 8, और कितना होना चाहिए, 12। So, she is suffering from which disease? That is anemia. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, नेम आरती, एज 12, सेक्स फीमेल, रोग की पहचान एनीमिया। अगर उसको 12 से कम है, चाहे 8 हो चाहे 10.5 हो तो भी उसको क्या डिजीज है, एनीमिया। मीन्स नॉर्मल रेंज के अगर अंदर है तो जो है वो डिसीज फ्री होगी। ठीक है। ये आरती की ब्लड रिपोर्ट थी। आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज, बीवेयर। ठीक है। क्या आप अपने घरों में मॉस्किटोज को इनवाइट कर रहे हैं, हमें इनसे बचकर रहना चाहिए। दे स्प्रेड, मॉस्किटोज क्या क्या स्प्रेड करते हैं बीमारियों को, देखो दे स्प्रेड, ये सारी बीमारियां जो है मॉस्किटोज से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया भी मॉस्किटो से होता है, डेंगू भी मॉस्किटो से होता है एंड चिकनगुनिया। ठीक है। ये सारे नाम आपने सुने हुए हैं। ठीक है। ये सारी जो डिसीजेज हैं ये हमको मॉस्किटोज से ही होती हैं। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। ठीक है। हम मॉस्किटोज से बचने के लिए ठीक है क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम तो हम यही कर सकते हैं बच्चों की मॉस्किटोज अगर होंगे ही नहीं हमारे आसपास तो हमको कोई डिसीज ही नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए कि हमको पानी ही इकट्ठे नहीं होने देना है अपने घर के आसपास। अगर घर के आसपास कोई गड्ढा वगैरह है तो हमको उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए जिससे जो है वहां पर पानी नहीं भरे और मॉस्किटो के जो लार्वा है वो वहां पर डेवलप नहीं हो सके। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन। हमें वाटर पॉट्स को, कूलर्स को, टैंक्स को क्लीन करते रहना चाहिए। दे शुड बी ड्राइड एवरी वे। ठीक है। उनको हमें को हर हफ्ते उनका पानी चेंज करके उनको सुखाना चाहिए। यूज मॉस्किटो नेट्स। और बच्चों ये तो दो तरीके हुए कि मॉस्किटोज ही वहां पर जो है नहीं डेवलप हो जिससे कोई डिसीज ही नहीं फैलेगी, लेकिन अगर फिर भी मॉस्किटोज होते हैं तो हमको क्या यूज करना चाहिए, हमको मॉस्किटो नेट्स यूज करना चाहिए रात में सोने के लिए जिससे हम मॉस्किटो बाइट से प्रोटेक्ट रहेंगे।
ठीक है हमको, और स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेसेस, अगर कहीं पर जो है वाटर कलेक्ट हो गया है तो हमको, और हम उस पानी को खाली भी नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, केरोसिन जो है उस पर स्प्रे करना चाहिए। केरोसिन में क्या होता है बच्चों, जो मॉस्किटो लार्वा होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसके बारे में हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फर्दर डिस्कस द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।